तो फ्रेंड्स आईब्रो बनाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से धागे को लेना है। नोज की तरफ से नीचे की तरफ रहेगा एंड आईब्रो की तरफ ऊपर की तरफ इस तरीके से तिरछा लेके जाना है। एंड हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा स्किन पे ना रगड़ते हुए, हल्के हाथों से धागे को खींचना है हेयर को इस तरीके से फंसा के। मैंने वीडियो काफ़ी स्लो किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरीके से पकड़ना है एंड खींचना है। तो जहाँ तक आपको उठाव लाना है अपने आईब्रोज में, वहाँ तक हमने इस तरीके से सीधा तिरछा तिरछा ले जाके हेयर को निकालना है। ओके, बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें। अगर आप बैगिनर्स हो तो बिल्कुल थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपका जो आईब्रो है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। और सेंटर में लाके आपको इस तरीके से धागे को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। देख सकते हो स्टार्टिंग में तिरछा रखना है नोज की तरफ से, सेंटर में एकदम स्ट्रेट रखना है। देन आउट लास्ट पॉइंट पे जब बनाते हो तो आपको ईयर के पास से धागे को नीचे की तरफ इस तरीके से तिरछा करना है और फ्रंट साइड में ऊपर की तरफ तिरछा करके इस तरीके से बालों को निकालना है। तो बहुत ही सुंदर सा शेप आता है। सब आईब्रो पे आपको इसी तरीके से ट्राई करना है और काफ़ी अच्छा सा शेप मिलेगा आपके आईब्रोज को। उसके बाद से आपको शेप मिलने के बाद से जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उनको धीरे धीरे करके रिमूव कर लीजिए। बैगिनर्स हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो बहुत अच्छा शेप आएगा और धीरे धीरे मतलब आपका आईब्रो जो भी है वो पूरा सब लोग को अच्छा लगेगा। और आपका अगर पार्लर खोलना चाहते हो तो ग्रो करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। पार्लर जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है आईब्रो अच्छे से बनाना। आईब्रो अगर पब्लिक को आपका आईब्रो बनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो बाकी चीज़ें वो करवाने लग जाते हैं। एंड आईब्रो से ही आपका पार्लर ग्रो करता है। आईब्रो की बनाने की का तरीका और जो पेन होता है उसके लिए आपको आईब्रो को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है धागे को स्किन के ऊपर, तो उससे कम पेन होगा एंड कस्टमर भी काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा। एंड अच्छा बनेगा आईब्रो तो वैसे ही कस्टमर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। आज का जो हेयर स्टाइल है वो मैं बनाने वाली हूँ साड़ी के लिए बीच मांग के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और ये हेयर कट की वीडियो अपलोड हो चुकी है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एडवांस मैजिकल हेयर कट है, एडवांस लेयर हेयर कट, खुद से किया है, सेल्फ किया है। तो अगर आपको भी सेल्फ करना है, अगर आप पार्लर में जाते हो तो 300 से 400 मिनिमम आपका चार्ज हो जाता है इस हेयर कट के, तो आप खुद से कर सकते हो। मेरा वीडियो देख के और काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सेल्फ कट किया हुआ है और बहुत अच्छे से लुक आया है। तो वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं साड़ी के लिए बहुत खूबसूरत सा लो बन एक डोनट बन की मदद से, वो भी इतने छोटे बालों में।